मैं बनाऊंगी आलू प्याज की बहुत ही सिंपल तरीके से और टेस्टी पकौड़ी, जो खाने में बहुत मज़ा देगी। और साथ में इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मैं बनाऊंगी ये चटनी भी। आप इस चटनी को जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही बनाइएगा। और अगर आपको मेरी ये दोनों रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई वीडियो देखिए तो आप उसको पूरा देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि मैं कोई चीज़ कैसे बनाती हूँ और आप उस चीज़ को जान सकें और आपका भी जो डिश है, पकवान है, व्यंजन है, वो आपका भी लजीज बने। तो चलिए फिर किचन की तरफ और ये सिंपल सी पकौड़ी हम बनाते हैं। आटे की पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू और प्याज को काट लिया है और आलू को देखिए पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। आप इसको पतला ही काटिएगा और प्याज को स्लाइस में कट करिएगा और वो महीन कट हो। यहाँ पर मैंने दो आलू लिया था और चार प्याज। प्याज को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तभी वो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको काट कर साफ़ कर लिया है। अब इसका पानी निकाल देते हैं। देखिए, इसका पानी मैंने निकाल दिया है और प्याज को रफली आप स्लाइस में कट करिएगा एकदम महीन। मैंने इसको आपके सामने इसलिए कट नहीं किया क्योंकि मेरे अंगूठे में थोड़ी चोट लगी हुई है, कट गया अंगूठे में, तो इसलिए मैंने इसे आपके सामने कट नहीं किया। तो अब इसमें आटा डालेंगे। एक कटोरी आटा ले लेंगे, इसमें दो मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च। आप मिर्च अपने अनुसार डालिएगा, कम ज़्यादा। हाफ स्पून अजवाइन लेंगे, इसको क्रश कर लेंगे। क्रश करने से इसका फ्लेवर आता है। नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी, वो भी कलर के लिए। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालिए। मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी सिर्फ कलर के लिए। थोड़ी सी डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अभी पहले आलू प्याज गीला है तो पहले उसके साथ हम मिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसमें मैं सोडा बिल्कुल नहीं डालूंगी। आप आटे की क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा और आलू प्याज आप ज़्यादा लीजिएगा। बेसन की तो बहुत खाई है, आटे की भी आप बनाकर खाइए, देखिएगा ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जब इसे हम सही तरीके से बनाते हैं ना तो आटे की पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। अभी देखिए इसमें आपको आलू प्याज पता चल रहा है कि मैंने सही डाला है, आटा कम है। और थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी इसे हम 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। जैसे आटे को सानने के बाद हम ढक कर रखते हैं ना, उसी तरह अब इस पेस्ट को भी हम ढक कर रख देंगे ताकि आटा फूल जाए थोड़ा। अब जब से पकौड़ी का पेस्ट सेट हो रहा है, हम यहाँ थोड़ी सी चटनी बना लेते हैं। एक हरी मिर्च ले लेते हैं, लहसुन ले लेते हैं, लहसुन थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। धनिया,
एक टमाटर, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसे हम दरदरा पीसेंगे। देखिए चटनी को दरदरी पीस लिया है, मैं ही नहीं पीसा है। इसी तरह की चटनी के साथ खाने में मज़ा आता है इस पकौड़ी को, तो आप भी इसका टेस्ट लेने के लिए ना चटनी को महीन मत पीसिएगा, दरदरी बनाकर खाइएगा और फिर बताइएगा कि ये चटनी आपको कैसी लगी। अब 15 मिनट बाद देखिए ये थोड़ा सा और गीला हो गया है, और अब इसको हम हाथों से 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसको फेंटेंगे। फेंटने से ना पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बन जाएंगी, और इसमें सोडा बिल्कुल मत डालिएगा। 5-7 मिनट तक जब इसको अच्छे से फेंट लिया तो देखिए कितना फ्लफी हो गया, और इसी तरह का पेस्ट हमें चाहिए। तो अब चलते पैन में, मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, अब इसे तलते हैं। ऑयल देखिए यहाँ पर गर्म कर लिया है, और यहाँ पर ऑयल को गर्म करना है, बहुत तेज़ नहीं लेकिन हाँ अच्छा गर्म करना है। और जैसा कि एक बार मैंने बेसन की पकौड़ी बनाई थी उसमें भी मैंने एक टिप बताई थी कि जब इसे कुरकुरी बनानी हो पकौड़ी को, तो जो तेल गर्म होता है इसे इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल कर लगभग 2 चम्मच के आसपास हम इसी पेस्ट में डालकर मिक्स कर देते हैं, तो इससे पकौड़ी कुरकुरी बनती है। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, मीडियम टू लो रखिएगा। और अब इन्हें हम पकने देते हैं, थोड़ी देर बाद इसे हम पलटेंगे। अब इन्हें देखिए पलटना है, और ये ऊपर से दिख रहे हैं कि ये पक चुके हैं, हल्के हल्के रेड लग रहे हैं, तो अब इनको हम फर्स्ट टाइम पलटेंगे। आवाज़ से ही ये लग रहे हैं कि हाँ ये क्रिस्पी बनी है। इसको आराम से मीडियम टू लो फ्लेम पर आप तलिएगा। पकौड़ियाँ देखिए तल गई हैं, और इसको अब हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए गरम गरम पकौड़ियाँ निकल रही हैं, और कितनी क्रिस्पी हैं, कितनी बढ़िया देखिए बनकर तैयार हुई है। बहुत गर्म है अभी ये, अब आगे का भी प्रोसेस इसी तरह हम छानते हैं। तो इसी तरीके से हम सेकंड भी रेडी कर लेंगे। आप आटे की पकौड़ियाँ बनाइएगा इसी तरीके से, और फिर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आटे की पकौड़ियों में भी बहुत स्वाद होता है, अगर आप उसे अच्छे से बनाइए, मन से बनाइए, अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाइए, तो बहुत अच्छी बनेंगी। ये सिंपल होती हैं और आटे की बनाई जाती हैं। थोड़ी देर बाद इसको फिर से हम पलट देते हैं। अगर ये जुड़ी हुई हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इन्हें आप अलग कर लीजिए। ये बहुत आसानी से इजी तरीके से ये अलग हो जाती हैं। और थोड़ी देर बाद इन्हें हम फिर पलटेंगे। तो ये पकौड़ी भी बनकर रेडी हो गई, तल चुकी हैं, अब इसको हम निकालते हैं।
पकौड़ी बनकर रेडी है और इसके साथ ये चटनी जो बनाई थी ये भी रेडी है। आपने बहुत सारी पकौड़ियाँ खाई हैं, बेसन की पकौड़ी खाई है, मिर्ची की पकौड़ी खाई है, आलू के पकौड़े खाए हैं, तो अब ये सिंपल वाली आलू और प्याज की पकौड़ियाँ बनाकर ज़रूर से खाइए। और इसके साथ आप जब ये दरदरी वाली चटनी बनाएंगे ना आलू टमाटर की, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और आप ये चटनी बनाकर तो ज़रूर से खाइएगा।